हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र त्यौहार पर माता लक्ष्मी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुश रहे। दादा लक्ष्मीचंद फिल्म जल्द रिलीज होगी। प्रसिद्ध लोक गायक लक्ष्मीचंद की जीवनी पर आधारित मूवी की खासियत ये बताई जा रही है कि इससे पहले न तो कोई ऐसी फिल्म बनी होगी और न ही बनेगी। दादा पंडित लक्ष्मीचंद के गांव में जब शूटिंग की गई तो बैलगाड़ी व बैल मंगाए गए थे। लक्ष्मीचंद के समय जिस तरह की वेशभूषा व गलियां थी, गलियों को उसी तरह का रूप दिया गया था। शूटिंग के लिए भी ऐसा ही एक गाँव चुना गया था जहाँ आज भी 60 वर्ष पुरानी संस्कृति जैसा गाँव सलामत है। कच्चे घर, गलियां, कुएं, चूल्हे, चक्की सहित बहुत कुछ उसी दशक का है। आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने न केवल इस फिल्म में किरदार निभाया है बल्कि वर्ष 1968 में स्नातक पास कर चुके हैं, प्रदेश सरकार द्वारा हास्य वक्ता के रूप में भी सम्मानित हो चुके हैं, देश के लिए राष्ट्र खेल खेल चुके हैं। आइए बात करते हैं दादा लक्ष्मीचंद फिल्म में कलाकार की भूमिका निभाने वाली दादा पंडित लक्ष्मीचंद के गाँव के रहने वाली फूल सिंह नंबरदार से उनका क्या कहना है। वेशभूषा पहनावा उस वक्त का शो किया है क्योंकि वो गैस जो है ना वो लैंप जलाए गए हैं, मिसाल जलाई गई हैं, बिजली भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी और ये प्लास्टिक की चप्पल भी नहीं थी। जो पहनावा था, जो भी था, हमारी संस्कृति पुरानी दिखाई है जो उस वक्त थी। बाकी आज के युग की बिजली वगैरह वो सब ढक दिया था, एक साइड में कर दिया था। तो लक्ष्मीचंद उसके जब जवाहरलाल के पास गया तो उसको उसके जो हवलदार वगैरह जो थे, गार्ड वगैरह, उन्होंने उसको एक तरफ दे दिया, चलो तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी, तुम गांव से आए हो। और जब वो पब्लिक में गया तो सारी पब्लिक उठ के उसके पीछे चली गई, दादा लक्ष्मीचंद आया, दादा लक्ष्मी आया, सारी पब्लिक। तो जब नेहरू ने ये कहा था, कौन आदमी है जिसके पीछे सारी पब्लिक मेरे यहाँ से उठ के वहाँ चली गई, तो जब उन्होंने कहा था ये दादा लक्ष्मी है, इसकी जो है ना अपरंपार माया है, इसने अनपढ़ होते हुए इसने वो जो इसने जो रागनियाँ बनाई हैं, जो इसके सब वो है, उनका कोई आज तक भावार्थ तो दूर रहा, सरलार्थ भी नहीं कर पाया है। तो इसने उसका जीवन ये यशपाल शर्मा ने बनाई है जो इशार से तल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अनेकों अनेक फिल्म बनाई है। उसमें हर एक आदमी का थोड़ा सा हमारा पहले चांदी के रुपये रखते थे, मैं भी अपना बुजुर्ग होने के नाते चांदी का रुपया पहले पल्लट पर वहाँ डाल के आया था और फिर मैं भी सब नाच रहे थे। फिर वो मेरा एक गाना था मासूम शर्मा का, अरे भर्ती हो ले रहे, भर्ती हो ले रहे, आड़े मिले तेने धक्का मुक्की उड़े मिलेंगे फ्रूट, आड़े मिले तेने धक्का मुक्की उड़े मिलेंगे सलूट, आड़े का सुखे टिकट उड़े मिलेंगे फ्रूट। इस तरह की थी वो गाना था, मासूम शर्मा मेरे सामने था, इंद्र लांबा था। रात के 10 बजे से वो सीन शुरू हुआ था, सुबह 5 बजे सर्दी में मेरा वो सीन पूरा हुआ। उसमें क्या था, उसमें ये था मुझे एक शराबी का रोल मिल गया और मैं बैठा पी रहा था, बैठा हुआ पीतल के गिलास में, और भर्ती वाले लेफ्टिनेंट वगैरह आए थे, उनको पुराने ज़माने का थाली में गुड़ रखा था, गिलास रखा था, वही उनकी वो थी, तो भर्ती के लिए वो जो भी फिट होता था उसको कर लेते थे। तो मैं भी गया, रहे क्या फ्रूट फ्रूट कर रखा तुमने, बंद करो, मेरे को खोल के समझाओ। तो उन्होंने फिर कहा था, अरे तू पीना छोड़ दे, तू भर्ती हो ले, तेरी जो है जिंदगी सुधर जाएगी। तो फिर मैंने कहा भाई मेरे दिमाग में बात, मैंने ऐसे हाथ लगा के कहा, अब भाई मेरी खोपड़ी में, और अब मैं भी भर्ती हूँगा, मैंने डंड बैठ के मारी और मैं चल दिया और सबने वो तालियां बजाई, वही इसने बुरा काम छोड़ दिया और ये भर्ती देश की सेवा में आगे बढ़ गया। तो इसलिए इस फिल्म में उसकी पहला भाग आया है, इसका 5 साल में ये तैयार हुई है, 5 करोड़ रुपया इसमें लागत आई है और ये कम से कम ये कोरोना की बीमारी की वजह से रिलीज नहीं हो पाई, अभी महीने 2 महीने में बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाली है ये फिल्म और ये अपने आप में एक मिसाल होगी। और लक्ष्मीचंद का जो ज्ञान है वो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का है, चाहे बहन भाई सुन लो, माँ बेटा सुन लो, भाई भाई सुन लो, लड़का पिताजी सुन लो, उसमें कोई अपशब्द कोई गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ज्ञान की बातें की है। उसने आखिरी समय में भी स्कूल में एक रागनी गाई थी, लक्ष 84 खत्म हुए, भीत कल्प युग चार गए, नाक में दमा लिया करे था, मरते मरते हार लिए। फिर कहा था कि भाई मन ढूंढते रह जाओगे कि लक्ष्मी कित गया। वो तो बहुत थोड़ी उम्र में 1903 में पैदा हुआ था और 45 में 42 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया था उनका। उनका फोटो
इंग्लैंड तक कोशिश की, केसी शर्मा ने उनको बहुत ऊंचा उठाया, हरियाणा अकादमी में उनका बहुत बड़ा नाम है और उनकी जयंती भी गांव जाटी कला में मनाई जाती है। उसके चंद्र दो इतने अच्छे होते थे जो भाई वो कहते ना, आए गए की सेवा करे चल देने से सुनवावे, तुलसीदास के ऐसे बंदा ने ईश्वर रोध में लावे। तो इस तरह की उसकी चौपाइयाँ थी, ज्ञान से भरपूर थी, रामायण और महाभारत से लिंक कर रखा था उन्होंने सारा का सारा। तो उसकी जो जबान पर जो सरस्वती बैठी थी उस अपरंपार थी। उसके साथ एक बाबा रहते थे महाराज जी जो कहते थे, वो जो है ना उन रागनियों को लिखते थे और उसको पढ़ के सुनाते थे और रामायण की बात सुनाते थे, महाभारत की सुनाते थे, उनको वो कंठस्थ याद कर लेते थे और उन्हीं को पब्लिक के सामने सुनाते थे। तो इसलिए इस फिल्म का कोई मुकाबला नहीं हुआ इसके म्यूजिक का, डायलॉग का और इसकी कहानी का। ये हमारे लिए हरियाणा के लिए प्रेरणा स्रोत है और इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों में जागृति आएगी कि हमारे अंदर भी एक कवि था, क्योंकि उसको हर आदमी शेक्सपियर मानता, हरियाणा का शेक्सपियर की उपाधि मिली थी उसको। तो हम उनको नमन करते हैं और हम उस पावन धरती में जन्म लिया गांव जाटी कला में, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझते हैं। ये हरियाणा संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा और ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म कहलाएगी और उदयपुर में और फॉरेन कंट्री में और हमारे हंसराज कॉलेज में हमने इसका वो ट्रेलर देखा था तो इसको अवार्ड मिले। जहाँ भी ये दिखाई देते हैं, दिखाई जाती है, वहाँ इसको अवार्ड मिलता है। इसमें लक्ष्मीचंद की पूरी जीवनी दी है कि वो कहाँ था और कहाँ चला गया, कितना ऊँचा उठाओ, क्योंकि लक्ष्मीचंद एक अनपढ़ कवि था और उसका गुरु अंधा था, गुरु मान सिंह, और उसने उससे शिक्षा ग्रहण की। एक सोहनलाल के साथ इसने शाम की परिक्रमा कुछ प्रक्रिया सीखी, लेकिन सोहनलाल ने कहा तू मुझे गुरु मान ले, उसने ये कहा मैं तो लख दादा मान सिंह को गुरु मानूंगा, मैं किसी और को नहीं मानूंगा। बोला मेरे पैसे ले, मेरे सांग में रह, मेरा दिया खार गुरु मानने तू, उसने अंधे मान सिंह ने वो तेने के दे देगा। तो बोला मेरे गुरु के बारे में कोई अपशब्द नहीं कह देगा, कह देगा तेरा आज के बाद में मैं तेरे सांग से छुट्टी कर जाऊँगा। फिर लक्ष्मी को उसने पारा खिला दिया कि इसकी छवि खराब हो जाए। तो पारा एक 9 महीने तक उसने रियाज कुएं में घुस के किया है, उसका गला खुल गया है। सरस्वती ने उसको मतलब जो ना वरदान दिया था, उसकी जबान पर सरस्वती थी। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों का इसका म्यूजिक, इसके डायलॉग और इसकी जो स्टोरी है वो एक इतनी सराहनीय है, आज तक किसी फिल्म उसमें हरियाणा में कोई ऐसी फिल्म ना आई है और ना आएगी। और 3 करोड़ फिल्म उद्योग ने भी दिया सभी कलाकारों को इनाम के तौर पर, क्योंकि इसकी खासियत देखते हुए कि भाई फिल्म की खासियत क्या है। मेघना मलिक, मासूम शर्मा, इंदर सिंह लांबा, बड़े बड़े अच्छे गायक और बड़े बड़े अच्छे डांसर इसमें हैं। और जवाहरलाल नेहरू की भी इसमें एक वो दी है, झांकी के भाई जवाहरलाल आया था और वो भाषण दे रहा था आंदोलन में, भाई तुम मतलब सब हमारा साथ दो और आंदोलन में हिस्सा लो। लेकिन लक्ष्मीचंद भी चला गया वहाँ उसके पास और वो लक्ष्मी का जो रोल कर रहा था उसका क्या नाम नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का, वो लखनऊ से बुलाया था। और ये जो भिवानी में इसकी जो है ना एक हफ्ता शूटिंग हुई, एक हफ्ता हमारे गांव में हुई जाटी कला में। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि आज मैं अपने आप को जहाँ भी एड्रेस करता हूँ, किसी सभा में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम यंग मैन ऑफ 77 ओनली, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर एक रुतबा है, मेरे अंदर एक जागृति है, मेरे अंदर एक फुर्ती है। कला परिषद में मैंने हास्य कलाकार का सर्वश्रेष्ठ इनाम ग्रहण किया तो वहाँ पर यही कहा था कि 77 साल के गुजर में इतना जुनून और इतना रुतबा और इतनी उसमें एक हौसला है कि आजकल के जवानों में भी नहीं, और वो मैंने छोड़ा। क्योंकि मैं हालांकि जैसे पुराण का नेगेटिव रोल होता था लेकिन सबसे वो धार्मिक नेता था, लेकिन उसका रोल जो है ना वैसा दिखाया जाता था। बाकी मैं भी कभी शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, हुक्का नहीं पिया, ताश नहीं खेला, लेकिन मैंने एक संदेश देना था। वो नकली गिलास था पीतल का और खाली गिलास था, मैं पी नहीं रहा था एक्चुअल, वहाँ उनको दिखा रहा था कोई शराबी इस हालत में होते हैं। हिलता जुलता मैं गया तो सब ने देखा भाई ये तो कंडम हो रहा, बड़ी लोग औरतें जो बैठी थी सब हंस रहे थे। तो उसे एक संदेश दिया भाई इस नशे से दूर रहना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमेशा तुम चुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे और बुद्धि जीवित बनोगे और आप जिंदगी में तरक्की। उसकी जमाल में हुई थी सबसे पहले,
और वो जमाल में उनको पैसा मिलता है। जमाल गांव है इशार में, और पुराने जमाने के कच्चे मकान है, गंडासा है, चूल्हा है, औरतें वैसी हैं, वही है जो आज से 1947 से पहले वातावरण था। वो लोग मोहम्मदन वगैरह हैं और उन्होंने वहाँ पूरी शूटिंग कराई, पूरी मदद की। और फिर वहाँ भिवानी से जब यहाँ हमारे गांव में एक हफ्ता 15 दिन शूटिंग हुई थी, भिवानी से बैल आए, गाड़ी आई, वो उसमें सारा का सारा माहौल जो है ना उन्होंने प्राचीन दिखाया कि जो आज के नव युग में जो बच्चे हैं उनको ये पता लगेगा हमारे प्राचीन काल में ऐसी प्रवृत्ति थी, ऐसी संस्कृति थी, ऐसे लोग थे और इतनी यूँ रुचि रखते थे। इस तरह दीपावली के शुभ अवसर पर मैं मेरे सभी उपमंडल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आह्वान करता हूँ कि चूँकि NCR इलाके में आने की वजह से हमारे यहाँ प्रदूषण का लेवल वैसे ही अत्यधिक रहता है, तो दिवाली के समय खुशियों में और खुशियाँ लाने के लिए पटाखों से दूरी बनाए रखें। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कि इस दिवाली पे जो है ग्रीन पटाखे भी यहाँ अलाउड नहीं हैं। प्रदूषण का स्तर बहुत ऊपर चला गया NCR में, तो मेरी सभी उपनिवासियों से निवेदन है कि वो पटाखे ना चलाएँ। उसके अलावा जिस तरह से भी सौहार्द से सब मिलजुल कर भाईचारे प्रेम से दीपावली मनाएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपने समस्त हरियाणा वासियों को, अपने विशेष तौर पर अपने खरखोदाल के वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में साक्षात वास करे और जितनी आपकी इच्छाएं हैं, जितने आपके अधूरे कार्य हैं, माँ लक्ष्मी इस दीपावली पर आप सभी के कार्य पूरे करें। और दोबारा से मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को, हल्का वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खरखोदा, सभी ब्लॉक वासियों को दिवाली के इस शुभ पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं अपने कार्यालय की और सभी ग्राम सचिवों की तरफ से ये अपेक्षा करती हूँ कि सभी ग्रामवासी और अधिक मात्रा में स्वामित्व योजना में हमारा सहयोग कराएंगे तथा लाल डोरे के अंदर आने वाली अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे। दीपावली के पावन पर्व पर तहसील की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ एक और अनुरोध है मेरा जनता से कि दीपावली के मौके पे, इस पावन पर्व पे कोई पटाखे वगैरह का इस्तेमाल ना करें जिससे प्रदूषण हो। और पराली, किसान भाइयों से अनुरोध है कि पराली ना जलाएं। धन्यवाद। खरखोदा वासियों को SHO खरखोदा की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खरखोदा वासी प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं, पटाखों से बचते रहें, बच्चों का ध्यान रखें। मैं नरेंद्र यादव, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी खरखोदा, सभी क्षेत्र वासियों को, सभी क्षेत्र के किसानों को, सभी मंडी के व्यापारियों एसोसिएशन को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं नवीन, सचिव नगर पालिका खरखोदा, आप सभी को नगर पालिका खरखोदा की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर आपके परिवार में समृद्धि की कामना करता हूं। नमस्कार, मैं नगर पालिका की चेयरपर्सन कमला देवी, सभी शहरवासियों के मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। कन्या महाविद्यालय खरखोदा, प्रताप स्कूल एवं प्रताप डेयरी फार्म की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ब्लॉक चेयरमैन राजवीर दैया, PPO रोट, मैं हल्का वासियों को, ब्लॉक वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों को समस्त AP गर्ग पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दीपावली। बार सुनकर खुदा की तरफ से, वह वकील साथियों की तरफ से, यहाँ के क्षेत्रवासियों को, वह गणमान्य व्यक्तियों को, बच्चियों को, वह माताएं बहनों बुजुर्गों को दीपावली की शुभ हार्दिक कामनाएं। सह परिवार स्वस्थ रहो। आप सभी के साथ साथ मैं उन सब भाइयों को भी दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो आज के दिन बॉर्डर पर खड़े हैं या अपनी सर्विसेज के थ्रू जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। उन सब के परिवार वासियों से मैं बहुत बहुत आशीर्वाद चाहता हूं कि उनकी वजह से हम जो आज अपना जीवन सुरक्षित जी रहे हैं। उन सब के परिवार वासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। मैं बलराम, सरपंच गाँव थाना कला,
मेरी ओर से गाँव वासियों को और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें, प्रगति पर रहें। उसके लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, हाई स्पीड वाईफाई हमने लगवाया है यहाँ पे। बच्चा मोबाइल से पढ़ता है, कई बार बच्चा टैब से पढ़ता है या लैपटॉप का प्रयोग करता है, तो हमने हर सीट पे बच्चे के लिए चार्जर का और बिजली के कनेक्शन का जो है फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बलूनिंग, इम्प्लांट ऑफ सीआरटी डी डिवाइस, आईसीडी इम्प्लांटेशन, टीएमटी इको, इकोकार्डियोग्राफी, इको स्क्रीनिंग, टैपिंग, यूएसजी। कंसल्ट डॉक्टर अनुराग अरोड़ा, ट्यूलिप हॉस्पिटल, सोनीपत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार और विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।